तराई से बराइस में ननकेही गांव में मेवासियों से किसान परेशान है। जी हां, जनपद बहराइच से ननकेही गांव में मेवासियों से किसान परेशान है। क्षेत्रीय शासन प्रशासन मेवासियों से है बेखबर। गौशाला न होने से आवारा पशुओं का आतंक क्षेत्र में जारी है। किसानों द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी गौशाले का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे किसानों के आए दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है फसलें। गांव वालों ने कई बार इसकी शिकायत लिखित पत्र में देकर की है, मगर शिवपुर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा इसके लिखित पत्र से बेखबर हैं। छोटे जानवरों से 4 वर्ष से किसान है वे परेशान। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा गौशाले का निर्माण करवाया जाता है या फिर ऐसे ही किसान परेशान रहते हैं छोटे जानवरों से। यह पूरा मामला है जनपद बहराइच के शिवपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा ननकेही गांव का है। यहां देखिए रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। अधिकारी कर्मचारियों का कहना क्या है, जब कोई प्रस्ताव यहाँ से जाता है, कोई एप्लीकेशन जाती है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। ये तहसील अंतारा है, ब्लॉक शिवपुर है। शिकायत हमने पर्सनल तो नहीं की है, लेकिन एक बार हमने बात किया था किसी अधिकारी से, हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था आप एक लेकर के जाइए तहसील में, वहाँ से इसकी कार्रवाई। चलिए धन्यवाद। पंडित ग्राम सभा तहसील तक समस्याएं ये हैं कि 4 सालों से हमारे ग्राम सभा में छुट्टा मवेशी घूम रहे हैं, जिसकी रखवाली किसान रातों और दिन करता है, और वो कहीं खाना खाने के लिए या उसका बच्चा बीमार है या किसी कारण का आवश्यकता बस वो निकल आए तो जानवर उसकी फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं। और इसके किसान फसल बीमा योजना भी जो है उसका भी लाभ नहीं मिलता है लोगों को। शासन प्रशासन के द्वारा क्या कहना है? शासन के द्वारा कई बार 10-76 पर कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, कई लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन विकासखंड अधिकारी का भी कहना कि सर हमारे पास जैसे इसकी सुविधा आएगी हम इसका पुनः निस्तारण करेंगे। कितने दिनों साल से चल रही, प्रशासन द्वारा भी अवगत करा दिया जाए, अभी जल्द में 2-3 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहले 350 से 400 के आसपास। इसके लिए गौशाला भी गए, वहाँ पर भी बोला तो वहाँ पर जानवर भरे हुए हैं और अगल बगल गौशाला से जानवर छोड़ दिए गए हैं, गौशाला में जानवर मर रहे हैं, वहाँ पर चारा की कोई व्यवस्था नहीं है। इनको अगर हम अपने खेतों में बंधवा देते हैं रखरखाव, तो वहाँ से भी इतने जानवर कहाँ रखे जाएंगे। चलिए, अगर इसकी कोई समस्या निदान नहीं होती, कई चीज़ें ग्राम सभा के अंदर समस्याएं हैं, बिजली के बारे में भी समस्या है, बिजली के तार जर्जर हैं, आए दिन गिरते हैं किसी के बच्चे जानवर के ऊपर, अभी एक जानवर के ऊपर एक दिन गिरी है तो उसको हटवा करके फिर 2-3 जानवरों के ऊपर गिरी, उनको लात फांद कर किसी तरीके से दाह संस्कार कराया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।